रमेश और बिमला कमरे के बाहर खड़े हैं। वो दोनों बहुत चिंतित हैं क्योंकि अंदर अंजलि की डिलीवरी हो रही है। अंजलि दर्द के मारे चिल्ला रही है, आह आह बहुत दर्द हो रहा है। आह बाहर रमेश बिमला से कहता है, माँ क्या लगता है आपको, लड़का ही होगा ना? मुझे तो लड़का ही चाहिए, लड़की हुई तो उसे मैं घर के बाहर फेंक दूंगी। इतने में अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई, माँ हो गई डिलीवरी, चलिए अंदर चलकर देखते हैं। दोनों अंदर चले गए और जाकर देखा कि अंजलि बिस्तर पर बेहोश पड़ी है और दाई माँ एक बच्ची को गोद में लेकर बैठी हुई है। बिमला लड़की हुई है, सत्यानाश, इसी का डर था मुझे। अब क्या होगा माँ? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बहू बेहोश है, इस लड़की को जंगल में फेंक कर आ। लेकिन अंजलि को क्या बोलेंगे? वो मैं संभाल लूंगी, तू जा। रमेश अपनी बेटी को लेकर बाहर चला गया और उसे घर से दूर एक जंगल में एक पेड़ के नीचे रख दिया। रमेश वापस घर चला आया और तभी अंजलि की नींद टूटी। बच्ची, मेरी बच्ची कहाँ है? बहू, एक बुरी खबर है, जन्म के बाद ही वो बच्ची मर गई थी, इसीलिए हमने उसे दफना दिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरी बच्ची। अंजलि रोती रही लेकिन उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। बिमला और रमेश कभी भी लड़की नहीं चाहते थे, लड़की का जन्म होना उनके लिए एक अपशगुन था, इसीलिए उस लड़की से छुटकारा पाने के लिए रमेश ने उसे जंगल में फेंक दिया। उसने सोचा, जंगल में बहुत सारे खूंखार जानवर हैं, आज ही उस बच्ची का काम तमाम हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, उस बच्ची के लिए तो भगवान ने कुछ और ही लिखा था। उस रात को वो लड़की अचानक से रोने लगी, उसी पेड़ पर एक बंदर रहता था। किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, जरा देखो तो। वो बंदरिया पेड़ से उतरी और उस बच्ची को देखा। अरे ये तो किसी इंसान की बच्ची है, हे प्रभु राम, इंसानों को ये क्या हो गया है, अपनी बच्ची को कोई कैसे जंगल में फेंक सकता है। ये बोलकर उस बंदर ने बच्ची को गोद में उठा लिया। लगता है इसे भूख लगी है, इसे दूध पिलाना होगा। बंदर ने उसे अपना दूध पिलाया, दूध पीकर वो बच्ची शांत हुई। पता नहीं तू कौन है बेटी, लेकिन मैं तुझे बड़ा करूंगी, आज से तेरा नाम सीता है। वो बंदर उसे लेकर पेड़ पर चढ़ गया और उसी पेड़ पर सुला दिया। उधर अंजलि रोती रह गई, रोते रोते उसकी हालत खराब हो गई और वो पागल सी हो गई। मेरी बच्ची को मेरे पास लौटा दो, हाय मेरी बेटी, अपनी माँ के पास आ जा बेटी आ जा। ऐसे ही समय बीतने लगा। समय से ज्यादा शक्तिशाली और कुछ नहीं है इस दुनिया में। समय के साथ साथ सीता भी बड़ी होने लगी और जंगल में उसके बहुत सारे दोस्त बन गए। हिरण, कछुए, खरगोश सभी सीता के दोस्त बन गए। सीता तुम बहुत अच्छी हो। हाँ सीता, हम तुम्हारे लिए जान तक देने के लिए तैयार हैं। मैं भी तुम लोगों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन सीता तुम तो एक इंसान हो, तो फिर एक बंदर तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है? सीता अभी सिर्फ 5 साल की है, लेकिन ये सुनकर वो भी सोच में पड़ गई। उसने बंदर से पूछा, माँ मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ? देखो बच्ची, आज मैं तुम्हें सच बताने वाली हूँ, तुम मेरी खुद की बेटी नहीं हो, तुम्हें किसी ने इस पेड़ के नीचे रख दिया था, उसके बाद से मैं तुम्हें पाल रही हूँ। तो फिर मेरी असली माँ कौन है? मुझे नहीं पता, मुझे अपनी असली माँ को ढूंढना है, मैं मेरी माँ को ढूंढ कर निकालूंगी। सीता अपनी माँ को ढूंढने लगी, लेकिन जो बच्ची कभी जंगल से बाहर नहीं निकली थी वो कैसे अपनी असली माँ को ढूंढती। उधर अपनी बेटी को खोने के शोक में अंजलि पूरी तरह से पागल हो गई, वो घर में पागलबंदी करने लगी। बिमला और रमेश उससे परेशान हो गए। माँ अब मैं इस अंजलि का क्या करूँ? उसे डॉक्टर के पास ले जा, उसी से हमें औलाद मिलेगी, उसे हम खो नहीं सकते। रमेश अंजलि को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा, देखिए रमेश जी, आपकी बीवी अपनी बेटी के शोक में पागल हो गई है, इसका कोई इलाज नहीं है, जिस दिन उसे उसकी बेटी वापस मिल जाएगी उस दिन अंजलि अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन बेटी तो मर चुकी है, तो फिर आपकी बीवी कभी ठीक नहीं हो सकेगी। रमेश चिंता में पड़ गया, फिर से वो अंजलि को ठीक करने की कोशिश करने लगा। उधर सीता बंदरों की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ में छलांग लगाने लगी। उसने अपनी बंदर माँ से कहा, आपकी पूंछ कितनी बड़ी और शक्तिशाली है, उसके सहारे आप एक पेड़ से दूसरे पेड़ में छलांग लगाती हो, लेकिन मेरी तो पूंछ ही नहीं है, मैं कैसे छलांग लगाऊं? पूंछ नहीं है तो क्या हुआ, बाल तो है,
इस जंगल में एक जड़ी बूटी है जिसे लगाने से बाल बहुत लंबे और शक्तिशाली हो जाते हैं। तो फिर मेरे बालों में लगा दो। बंदर ने जड़ी बूटी लाई और सीता के सर पर मालिश करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में सीता के बहुत लंबे बाल हो गए, उसके बाल उसके पैर तक आ गए। सीता बहुत खुश हुई। अरे वाह, कितने लंबे बाल है मेरे, मैं अब बालों के सहारे एक पेड़ से दूसरे पेड़ में छलांग लगा सकती हूँ। वाह, कितना मजा आ रहा है। सीता बहुत मजे करने लगी और इसी तरह और कुछ साल बीत गए। सीता अभी तक अपनी माँ की खोज में थी और अंजलि अभी तक पागल। रमेश बहुत ज्यादा परेशान हो गया। माँ, अब अंजलि का कुछ करना पड़ेगा, और सहा नहीं जा रहा है मुझसे। लेकिन औलाद, दूसरी शादी करूँगा लेकिन पहले अंजलि को ठिकाने लगाना होगा। लेकिन कैसे? मेरे पास एक प्लान है जिससे किसी को पता नहीं चलेगा। हम घूमने जाने के बहाने जहाज पर चढ़ेंगे और फिर बीच समंदर में मैं अंजलि को धक्के मारकर जहाज से गिरा दूंगा। रमेश ने वही किया। रमेश, अंजलि और बिमला एक जहाज में चढ़ गए और वो जहाज उसी जंगल के पास वाली नदी से चलने लगा। और तभी एक जोरदार तूफान आया, जहाज जोर जोर से हिलने लगा। सभी चिल्लाने लगे, अरे बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, हम सब मर जाएंगे, हे भगवान ये क्या हो रहा है। जंगल में से सभी जानवर जहाज को देखने लगे। सीता भी वहाँ आई। अरे बाप रे, वो सभी मर जाएंगे, जहाज को किनारे पर लाना होगा। लेकिन किनारे पर कैसे लाओगी सीता? अपने बालों से। ये बोलकर सीता ने नदी में छलांग लगा दी और जहाज के पास जाकर अपने बालों से जहाज को बांध लिया और फिर जहाज को खींचकर किनारे पर ले आई। सभी यात्री जहाज से उतर गए। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुम ना होती तो हम मर चुके होते। लेकिन तुम इंसान होकर जानवरों के बीच में क्या कर रही हो? तभी उस बंदर ने कहा, कोई बहुत सालों पहले इसे पेड़ के नीचे रख कर गया था, मैंने इसे पाला है। इस पेड़ के नीचे बहुत सालों पहले, वो तो मैं था, इसका मतलब तुम मेरी बेटी है। अंजलि चौंक गई। मेरी बेटी है? तू मेरी बेटी है? माँ, तुम मेरी असली माँ हो? जिस बेटी को फेंक देने के लिए कहा था उसी ने आज हमारी जान बचाई। बेटी, हमें माफ कर दो। नहीं, आप दोनों माफी के लायक नहीं है, आप दोनों बदमाश है, चले जाइए यहाँ से, चले जाइए, मैं यहाँ अपनी बेटी के साथ रह लूँगी। इंसानों से भरे हुए शहर से जानवरों से भरा हुआ जंगल बहुत अच्छा है। बिमला और रमेश को अपनी गलतियों का एहसास हो गया, वो दोनों चले गए। उन दोनों को कभी परिवार नहीं मिला। अंजलि जंगल में रह गई। सीता अपनी बंदर माँ और अपनी असली माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगी। जंगल में खुशियों का उत्सव मनाया जाने लगा और ऐसे ही सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। अचानक से तेज हवा शुरू हो गई थी, आसमान काले काले बादलों से भर गया था, बारिश के पूरे आसार लग रहे थे। मीना अपनी गायों को लेकर अपने घर जाने की सोच रही थी। मुझे जल्दी घर जाना होगा, नहीं तो अगर बारिश आ गई तो खामखा मैं बीच में ही फंस जाऊंगी। मीना अपनी गायों को बुलाने लगी। छोटी, गिन्नी, बिंदिया, चल घर चल, नहीं तो बारिश आ जाएगी। मीना अपनी गायों को बुला रही थी तभी जोरों से बिजली कड़कने लगी। बिजली कड़कने की आवाज इतनी तेज थी कि मीना के साथ साथ उसकी गाय भी डर गई और डर के मारे उसकी गाय जोर जोर से रंभाते हुए भागने लगी। अरे रुकना, कहाँ भागी जा रही हो? मीना पीछे पीछे और उसकी गाय आगे आगे भागी जा रही थी। रुक, अरे रुक ना। दुर्भाग्य से आगे एक बहुत गहरा कुआं था। मीना की तीनों गायें कुएं में गिर गई और वो उसमें डूबने लगी। मीना भागी भागी कुएं के मुंडेर के पास पहुंची तो देखा कि उसकी गाय डूबते हुए रंभा रही है। हे भगवान, मेरी गाय, क्या करूं? मीना ने आसपास कोई रस्सी खोजने की कोशिश की लेकिन उसे कोई रस्सी नहीं मिली। इधर मीना की गायों की सांसें रुक रही थी, अचानक जोरों की बारिश भी शुरू हो गई। मीना का जोर जोर से रोने का मन कर रहा था। हे भगवान, मैं क्या करूं? बारिश के साथ साथ अचानक तूफान आ गया। हवा का वेग इतना था कि वो किसी को भी उड़ा दे। अचानक तूफान के कारण मीना के बालों का जूड़ा खुल गया और उसके लंबे लंबे बाल जूड़े से बाहर आ गए। वो बाल इतने लंबे थे कि कोई भी उन बालों को देखता तो आश्चर्य में पड़ जाता। अपने बालों को देखकर मीना ने कुछ सोचा और फिर, अरे वाह, मुझे रस्सी की क्या जरूरत, मेरे बाल है ना, मैं इसके सहारे अपनी गायों को बाहर निकालूंगी। मीना ने अपने लंबे बाल कुएं में डाले और अपनी गायों से बोली, छोटी
गिन्नी बिंदिया इसे अपने मुंह से दबा ले, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगी। कुछ ही पलों में मीना की तीनों गायें उसके लंबे बालों के सहारे कुएं के बाहर आ गई। अपनी गायों को सही सलामत देखकर उसने उसे गले से लगा लिया और रोते हुए कहने लगी, तुम लोगों को कितनी बार समझाया कि मेरे साथ रहा करो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मेरा क्या होता। अरे तुम लोग ही तो मेरी सबसे अच्छी सहेली हो, और मेरा है ही कौन। कहने को तो मीना के घर में उसके पिता, दादा दादी और एक छोटा भाई सब थे, लेकिन मीना उन सबके लिए एक बोझ की तरह थी। उस घर में उसकी हैसियत एक नौकर से भी बदतर थी। हालांकि मीना की माँ उसे बहुत प्यार करती थी। 17 साल पहले जब उसका जन्म हुआ था तो क्या कहा, लड़की पैदा हुई है? अरे तुझे कितनी बार कहा था कि मुझे लड़का चाहिए लड़का, लेकिन फिर भी तूने लड़की पैदा कर दी। अरे लड़की मतलब बोझ, तेरे पेट से आज बोझ निकला है और मेरे माथे पर आ गया है। ये आप क्या कह रहे हैं, बेटा हो या बेटी सभी तो भगवान का रूप है। चुप कर, ज्यादा बड़बड़ मत कर। एक तो इतना बड़ा पाप कर दिया तूने और मुझे ज्ञान बांट रही है। मीना के दादा अमृतपाल और दादी सुमित्रा देवी ने भी पोते की उम्मीद लगा रखी थी। उन्हें भी जब लड़की पैदा होने की बात पता लगी तो उन्होंने अपने बेटे सोहनपाल से कहा, अरे गला क्यों नहीं घोट दिया अपनी बीवी का, उसे कहा नहीं था तूने कि लड़का पैदा करना? अरे कहा तो था बाबूजी, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, खेल हाथ से निकल चुका है। खेल कभी हाथ से नहीं निकलता जब तक कि खिलाड़ी खुद हार ना मान जाए। इस बार नहीं अगली बार लड़का ही चाहिए, ये साफ साफ उसे बोल दे, नहीं तो उसकी और उसकी बेटी दोनों का गला दबाकर उसे पीपल के पेड़ से टांग देंगे और तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे। हाँ मीना की माँ को छोड़कर वो सभी के लिए बोझ थे, किसी को वो फूटी आंख नहीं सुहाती थी। अगले साल ही मीना की माँ गीता ने एक बेटे को जन्म दिया। सभी ने उसका नाम युवराज रखा, और सिर्फ नाम ही नहीं रखा, युवराज की तरह ही उसका पालन पोषण होने लगा। गीता, मेरे बेटे को किसी बात की कमी नहीं होनी चाहिए, इस बात का तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है। युवराज के जन्म से उसके दादा दादी भी बहुत खुश थे। एक ओर जहाँ गीता के लिए एक भी रोटी उन लोगों को देना गवारा नहीं था, वहीं युवराज के लिए वे कुछ भी करने के लिए एक पांव पर खड़े रहते। समय बीत रहा था, मीना अब 3 साल की हो गई थी। एक दिन की बात है, छोटी सी मीना को भूख लगी थी और वो अपनी माँ से रोटी मांग रही थी, तो मीना के पिता उसके पास आए और उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहा, अरे गीता तुम्हारी ये बेटी कितना खाती है, जब देखो रोटी रोटी करती रहती है। सुनो इसे बोलो कि वो काम करेगी तभी खाना मिलेगा, मुफ्त की रोटी तोड़ने नहीं दूंगा मैं। आज से इसे तुम गायों को चराने भेजा करो, घर के काम करवाया करो। ये आप क्या कह रहे हैं, ये तो अभी बहुत छोटी है। फिर बकवास करने लगी, जो कह रहा हूँ वो करो, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारी इस मुफ्तखोर बेटी दोनों को घर से निकाल दूंगा। हाँ 3 साल की छोटी सी उम्र में ही मीना अपनी गायों को चराने जंगल की ओर जाने लगी। सुबह सुबह ही वो जंगल की ओर भूखी प्यासी निकल जाती और शाम को लौटती। जंगल में ही जो जंगली फल उसे मिलते वो उसे खाती। पहले तो उसे उन जंगली फलों के फायदे का पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसके बाल जरूरत से ज्यादा लंबे हो रहे हैं। उसकी माँ को भी ये देखकर आश्चर्य हो रहा था, लेकिन उसकी इस बात से भी सभी को चिढ़ थी। अरे ये केस चुड़ैल को जन्म दे दिया है तूने, भला इतनी छोटी सी उम्र में इतने लंबे बाल भी किसी के होते हैं? मीना का भाई युवराज भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब वो बाकी घर वालों की तरह ही मीना का अपमान करता और उसे भिखमंगी बुलाता। माँ अपने घर में हम लोगों ने इस भिखमंगी को क्यों रखा है, इसे बाहर क्यों नहीं निकाल देते? बेटा वो तुम्हारी बहन है। बहन? इसके कपड़े ऐसे फटे छीटे हैं, शक्ल इतनी गंदी है, ये मेरी बहन नहीं है। आप लोग पता नहीं कहाँ से इस बड़े बाल वाली चुड़ैल को उठा ले आए, इसे अभी के अभी बाहर निकालिए, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। हाँ उसकी माँ ने उसे लाख समझाया, लेकिन वो नहीं माना। मीना के पिता को जब इस बात का पता लगा, बेशरम औरत, तुझे मैंने कहा था ना मेरे बेटे युवराज को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये जो कहे वो करो, उसे अभी के अभी घर से निकाल दो। ये आप क्या कह रहे हैं, मीना हमारी बेटी है। तुम्हारी होगी मेरी नहीं। गीता के बहुत गिड़गिड़ाने पर सोहनपाल ने ये कहा कि देखो युवराज ने कहा है तो वो घर में नहीं रह सकती, एक काम करो उसे जहाँ गाय रहती है वहीं रहने बोलो, और हाँ वो भी मुफ्त में नहीं रहेगी, हर दिन उसे गायों को चराने ले जाना पड़ेगा, और खबरदार जो उसे घर से एक रोटी भी दी तो, मैं सिर्फ उसे रहने दूंगा, खाने का इंतजाम वो खुद करे। समय और भी तेज गति से बीता जा रहा था। मीना जंगली फलों को खाकर ही बड़ी हो रही थी,
लेकिन उसे पता नहीं था कि इन जंगली फलों के कारण ही उसके बाल और भी बड़े हो रहे हैं और वो बहुत ही शक्तिशाली भी हो गए हैं। वो तो उस दिन जब उसने अपनी गायों को बचाया तब उसे इस बात का पता लगा। यही नहीं, उस दिन के बाद उसने कई बार अपने बालों की मदद से कभी डूबते बच्चे को बचाया तो कभी खड्डे में गिरी बड़ी कार को निकाला। जो भी उसके ये करामात देखता वो दांतों तले उंगलियां दबा लेता। एक दिन जब एक आदमी ने ये बात अमृतपाल से बताई तो वो इस बात को सुनकर खुश होने की बजाय गुस्से से आग बबूला हो गया और घर आकर, गीता, अरे ओ गीता, कहाँ है वो डायन? कहाँ है तुम्हारी वो लंबो बालों वाली डायन बेटी? आज के आज ही मैं उसे हमेशा के लिए इस घर से निकाल रहा हूँ। वो अब गौशाले में भी नहीं रहेगी। अरे तुम्हें पता है लोग उसके बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं? मेरे घर में कोई लड़की पैदा नहीं हुई है, सर्कस में काम करने वाली पैदा हुई है। मैं ऐसी लड़की को अब एक पल भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। अमृतपाल ने मीना को हमेशा के लिए घर से निकाल दिया। मीना अब जंगल में ही रहने लगी। दूसरी ओर अमृतपाल का बेटा युवराज अधिक लाड प्यार के कारण पूरी तरह बिगड़ गया। वो ना तो ठीक से पढ़ाई करता और ना ही घर वालों से ठीक से बातें करता। वो अपने पिता की जेब से पैसे भी चोरी करने लगा था और उन पैसों से भी कभी सिनेमा देखता तो कभी जुआ खेलता। एक दिन उसने अपनी माँ के गहने भी चुरा कर बेच दिए। जब उसके दादा दादी और माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की तो, आप दोनों बूढ़े बुढ़िया क्या करते रहते हैं सारा दिन घर पर? अरे कुछ काम धाम कर लिया कीजिए, खाली मुफ्त की रोटी मत तोड़िए और मुझे ज्ञान मत दीजिए। और हाँ माँ पिताजी, आपके मरने के बाद ये सब तो मेरा ही होने वाला है, तो फिर क्यों खुजली मची है आप लोगों को? युवराज की इस बात पर सभी सन्न रह गए थे। उधर बेचारी मीना जंगल में ही अपना जीवन बिता रही थी। एक दिन की बात है, वो जंगल के बगल से गुजरने वाली रेल की पटरी के पास रेलगाड़ी देखने गई थी, लेकिन वहां जाकर उसने जो देखा उसे देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। उसने देखा कि पटरी पर एक मालगाड़ी खड़ी है और उसका ड्राइवर उसमें मृत पड़ा है, शायद उसे हार्ट अटैक आया था। वहीं पर मालगाड़ी का गार्ड वॉकी टॉकी पर किसी से बात कर रहा था और वो बहुत ही परेशान लग रहा था। सर जल्दी कुछ कीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, हजारों लोग मारे जाएंगे। असल में जिस ट्रैक पर मालगाड़ी फंसी थी उसी ट्रैक पर कुछ समय बाद भागलपुर एक्सप्रेस आने वाली थी। हजारों यात्री उस ट्रेन में थे, अगर मालगाड़ी को हटाया नहीं जाता तो बहुत भीषण एक्सीडेंट हो जाता। भागलपुर एक्सप्रेस बहुत ही नजदीक आ चुकी थी, ना तो उसे रोका जा सकता था और ना ही ट्रैक चेंज। मीना को जब इस बात का पता लगा तो उसने मालगाड़ी के गार्ड से कहा, सर मैं आपकी हेल्प करूंगी। तुम? लेकिन कैसे? मीना ने अपने बाल खोले और मालगाड़ी के इंजन में उसे फंसाया और जोर से बांधा। अरे ये तुम क्या कर रही हो, पागल तो नहीं हो गई? बालों से भला ट्रेन कैसे खींचोगी? मीना ने कुछ जवाब नहीं दिया और अपने बालों से मालगाड़ी को खींचने लगी। गार्ड ने जब ये देखा कि वो तो सच में अपने बालों से मालगाड़ी को खींच रही है तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। पल भर बाद वहाँ भारी भीड़ लग गई, सभी मीना का ये कारनामा देख रहे थे। मीना उस मालगाड़ी को दूसरे ट्रैक पर खींच कर ले आई, उसने हजारों लोगों की जान बचा ली। सभी उसकी जय जयकार करने लगे, मीना की जय हो, मीना की जय हो। रेलवे के बड़े अफसरों ने मीना को न सिर्फ बड़ा इनाम दिया बल्कि उसे रेलवे में नौकरी की पेशकश भी की। अगले दिन हर न्यूज़पेपर में उसकी तस्वीर छपी थी। उसके घर वालों को जब ये पता लगा तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। पहली बार उनके मुंह से निकला कि बेटे से तो बेटी अच्छी। दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।